हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। हम लोगों ने गाला सैंपल पेपर 3 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों के तीनों सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम गाला सैंपल पेपर 3 का सेक्शन डी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है या उसका किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, और हमें जो मैन्युफैक्चरिंग में जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को भी हमें बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन है, तो इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, ठीक है, ये एक येलोइश कलर का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है। अब हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ नहीं, जो हमारे पास स्लेक लाइम होता है उस स्लेक लाइम को हमें क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर से क्लोरीन की जो गैस है उसको पास करवानी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से हम लोग ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन की जो गैस है उसको हम पास करवा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मिल रहा है। इसके बाद हमें इसके यूजेस बताने हैं। जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये जनरली यूज करते हैं हम लोग जहां पे हमें क्लोरीनेशन करना होता है। क्लोरीनेशन मतलब कि जहां पे हमें पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए होता है, जहां पे हम जर्म्स को मार सकते हैं वहां पे हम क्लोरीनेशन करते हैं। सेकेंड चीज, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है ताकि वहां पे क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज हो सके। थर्ड चीज, ये आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका बहुत सारे रिएक्शन में हमारी हेल्प करता है। ये इसके यूजेस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें बताइए कि क्लोरो एल्की प्रोसेस क्या है। क्लोरो एल्की प्रोसेस क्या है क्लास? तो क्लोरो एल्की प्रोसेस ये होती है कि जब भी हम एक रिएक्शन करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट जो भी है वो हमें क्लोरीन मिलता है और हमें एल्काई मिलता है। एल्काई मतलब कि एक बेस। तो सपोज करिए किस तरीके से ये होता है, जैसे कि देखिए हमने एक बीकर लिया। इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया, इस बीकर में हम लोगों ने NaCl लिया प्लस इसमें हम लोगों ने वाटर लिया, NaCl प्लस वाटर। अब जो NaCl प्लस वाटर होता है इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख ही सकते हैं जब ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है, अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। इसके साथ हमें मिलता है क्लोरीन गैस, इसलिए हम इसको क्लोरो एल्काई प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या मिला, ये हमें क्लोरीन गैस मिला, ये हमें क्लोरीन गैस मिला और ये हमें यहाँ पे बेस मिला, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्लोरो एल्काई प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई साहब बताओ आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि आप हमें एग्जाम्पल देके समझाइए, तो हमसे पूछा गया है कि आप पेंटेन का आइसोमेरिज्म बनाइए, तो हम पेंटेन का आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेंटेन का आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? तो पेंटेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C5H12, क्योंकि पेंटेन का मतलब क्या होता है? 5, और एन का मतलब क्या हुआ? एल्केन। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ? एल्केन हुआ। इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बना? C2H12। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, यहां पे ऑलरेडी बनाया हुआ है पर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बना के दिखाऊं। जैसे कि यहां पे हम देखते हैं कि 5 कार्बन, क्योंकि 5C5 है, तो 1 2 3 4, ओके, तो ये 4-5 कार्बन हुए। अब हमने इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन, यहां पे हमने
ये हमारा बन गया आपका एक आइसोमर्स, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा आपका यहाँ पे एक सी, दो सी, तीन सी, चार सी, एक सी को हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। थर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा कि सपोज करिए एक दो तीन, एक सी हम लोगों ने यहाँ ले लिया, एक सी हम लोगों ने यहाँ ले लिया, यहाँ पे एच लगाया, 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 ये हमारे आइसोमर्स बना, आइसोमर्स बने किसके, पेंटेन के। हम लोगों ने कितने आइसोमर्स बनाए, तीन आइसोमर्स बनाए, ठीक है। तो सिंपली आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वो होता है जब हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल या वेस्ट चीजों को अपनी बॉडी से हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी बॉडी में क्या चीजें वेस्ट होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक टाइम पे करोड़ों सेल बन रहे हैं और करोड़ों सेल मर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सेल डेथ हो जाते हैं वो सेल क्या होते हैं, हमारे ब्लड में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो ब्लड में फ्लो करते हैं वो वेस्ट बनाते हैं। कैसा वेस्ट, नाइट्रीजियस वेस्ट, और जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। इसलिए हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब किस तरीके से होता है, चलिए जानते हैं किस तरीके से ये एक्सक्रीशन निकलता है। यहां पे देखिए क्या होता है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन होता है। रीनल आर्टरी क्या होती है, जितना भी आपका इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा का सारा कौन लेके आती है, आपका रीनल आर्टरी लेके आती है, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या करती है, रीनल आर्टरी दोनों के दोनों किडनी जो होते हैं उनको ब्लड देती है। अब रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड दे दिया, अब किडनी इनको उन ब्लड्स को क्या करती है, प्योरीफाई करती है और दोबारा हमारी बॉडी में उनको क्या करती है, सेंड कर देती है, भेज देती है। और ये जो ब्लड होते हैं दोबारा हमारी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं, तो ये हमारे रीनल वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में वापस ब्लड जाते हैं। तो ये रीनल वेन्स के थ्रू ब्लड वापस गया, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड वापस आया। अब क्या हुआ, किडनी ने उस ब्लड को पूरा का पूरा प्योरीफाई कर दिया। जब ब्लड को पूरा का पूरा प्योरीफाई किया तो ये जो ब्लड है, ये हमारा जो यूरेटर होता है, इस यूरेटर से कहां जाता है, इस यूरेटर से यूनरी ब्लडर में जाता है, इस यूरेटर से कहां जाता है, यूनरी ब्लडर में जाता है। और सारा का सारा जितना वेस्ट होता है वो हमारा कहां पे, यूनरी ब्लडर में कलेक्ट होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है। और फाइनली जब हमें टाइम मिलता है तो हम इस वेस्ट को, ठीक है, इस वेस्ट को कहां से निकाल देते हैं, यूरेथ्रा से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से जो हमारा एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट हमें एनर्जी मिल सके। अब जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखते हैं कैसे हुआ। जैसे क्या होता है, ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म में होता है, वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं कि हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें इथेनॉल मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है। जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलता है, जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल हुआ हम ह्यूमन बींग,
और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ ईस्ट। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि जब हमें ऑक्सीजन आधी अधूरी मिलती है, कभी कभार हम खेलते खेलते हाफने लगते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए उसे बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो ग्लूकोज होता है उसको उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में उसका क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। इस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है, इस टाइम पे लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट्स हैं, कभी खेलते खेलते उनको क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा जितना ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए लैक्टिक एसिड उनके मसल में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उनको क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट है आर्यन। आर्यन का क्या बोला गया, आर्यन ने जब कहते हैं अपनी आई को चेकअप किया तो डॉक्टर ने उसे बोला कि भाई चश्मे पहनने हैं आपको, और कैसे चश्मे पहनने हैं, माइनस टू डी के। कैसे चश्मे पहनने हैं आपको, माइनस टू डी के, टू डाप्टर के चश्मे पहनने हैं। अब हमसे इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्चुअली आर्यन को हुआ क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपका ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन सा डिफेक्ट शो कर रही है। तो आर्यन का जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है क्लास, मायोपिया में जो इमेज होती है वो हमारे रेटिना से पहली कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो आपका जो ब्रेन है उस इमेज को परसीव नहीं कर पाएगा, और जब परसीव नहीं कर पाएगा तो हमें क्या कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए ये जो डिफेक्ट है ये कौन सा है, ये मायोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म दिस डिफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया इस डिफेक्ट में जो इमेज है वो कहां फॉर्म होती है, तो वो रेटिना के आगे फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब पूछा जा रहा है कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आई बॉल होती है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे आई का जो आई बॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि लेंस है इससे जो रेज आ रही हैं वो क्या होती हैं, पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, ये रेटिना पे जा ही नहीं पाती या पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, इस वजह से एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल बढ़ने की वजह से या उसका कर्वेचर बढ़ने की वजह से ये डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा लेंस यूज करें जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट है वो कम हो सके। तो कॉनकेव लेंस, सूटेबल कॉनकेव लेंस, ठीक है, सूटेबल पावर के जो कॉनकेव लेंस है अगर आर्यन यूज करे तो उसका ये जो डिफेक्ट है वो खत्म हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये एक एरो है, ये एक एरो है। ठीक है, इस एरो को क्या किया गया है, हम लोगों ने एक करंट, ये एरो क्या कर रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो करंट है, जब आपको पता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से एंगल में आप इसको रखोगे जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने इस तरीके से दो मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ लिया एक साउथ लिया, एक नॉर्थ लिया और एक साउथ लिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं, और इसके बीच में जो कंडक्टर है उसको हम लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से पुट किया। तो जब हम परपेंडिकुलर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्लेस करते हैं तो उस टाइम पे जो कंडक्टर होता है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है,
वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि कब आपका कंडक्टर मिनिमम या बिल्कुल नल या जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मिनिमम या नल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तब करेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम इस तरीके से दो मैग्नेट रखे हुए नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर हम क्या कर दें, कंडक्टर को भी इसी तरीके से पुट कर दें, कंडक्टर को अगर पुट कर दें तो हमारा जो फोर्स होगा, जो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एकदम मिनिमम हो जाएगा या वो जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ये ए बी एक कंडक्टर है, ये ए और बी क्या है, एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से क्या हो रहा है, इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है। अब आपको पता है जब करंट पास होगा तो क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। हमें पता है जैसा कि करंट जहां पर से भी फ्लो होता है वहां से हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से जो पी है और जो क्यू है, इसमें से पी और क्यू में से कौन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस करेगा। आपको पता है कि अगर कंडक्टर के पास जो भी पॉइंट पास में होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां होती है, वो कंडक्टर के पास होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक वहां पे होंगी जब वो कंडक्टर से दूर जाएगी, इसलिए हमें यहां पे पता है जो क्यू की डिस्टेंस है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू पी। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो क्यू आपके पास है कंडक्टर के, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा वो कौन होगा, वो क्यू होगा, कौन होगा, वो क्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। फिर हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन वेरियस ट्रॉपिक लेवल विद डायग्राम, तो डायग्राम बोला गया तो हमने ये डायग्राम बना दिया। क्या किया हमने, ये डायग्राम बना दिया। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स कुछ नहीं होता, बस ट्रॉपिक नाम रख दिया है। ये क्या होता है, एक तरह के स्टेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे नीचे क्या हुआ, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हुआ, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंज्यूमर्स हुए, तो ये हुआ हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फिर उसके बाद ये लास्ट वाले जो कंज्यूमर्स हुए इनको हमने बोल दिया थर्ड लेवल ट्रॉपिक लेवल या फोर्थ लेवल ट्रॉपिक लेवल, मतलब जिस हिसाब से ये फूड चेन चले, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अभी सबसे जो कि जो आपका बॉटम में होता है वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स जिनको हम खाते हैं। प्लांट्स और एल्गी यही एक ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी हम लोग जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनसे सब्जियां उनका खाना बनाया हुआ हम खाते हैं। हम लोग कंज्यूमर्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, वो भी खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट से, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उससे बनाते हैं। इसलिए सबसे जो कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें तो वो होता है सन, जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में मेनली क्या होता है, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो आपका अपना खाना अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो होते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स भी तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, देन होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, और थर्ड जो लास्ट होता है टर्शियरी कंज्यूमर्स जिसको हम ओमनिवोरस कहते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं जो मीट भी खाते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट होता है, लास्ट है हमारा डीकम्पोजर्स। हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डीकम्पोजर्स हैं।
क्यों डिकम्पोजर्स हैं? आपने देखा होगा अगर डिकम्पोजर्स हमारे अर्थ पे नहीं हो तो हमारे अर्थ में हर जगह वेस्ट प्रोडक्ट्स, गंदगी, हर चीज इधर उधर पड़ी रहे। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे सॉइल में इजीली चीजें मिल जाती हैं और इससे क्या होता है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।